राधे, सुचिकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं बसंत पंचमी के ऊपर ये ड्रेस लेकर आई हूँ, येलो एंड व्हाइट। तो येलो व्हाइट ड्रेस बनाने के लिए हम ये दोनों कलर लिए हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर ये 2 से 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए कान्हा जी की मैं ड्रेस बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैंने जो डिमांड थी कि सब पूरा ऊपर से बताइए, तो मैं ये ऊपर से बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 15 की चेन बनाई है और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 की चेन बना के, 15 के बाद में 3 की चेन बनाकर यहाँ पर ऊपर मैंने हर एक चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, देखिए, अब मैंने ये अपना जो सेकंड वाला राउंड है ये स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैंने यहाँ पर 3 की चेन फिर से बनाई है। तो 3 की चेन बनाते हैं ये हम, ये हमारा एक जो डबल क्रोशिया है उसका काम करती है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक राउंड में यहाँ पर हमें, क्योंकि ये हमारे 2 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है, तो हमें यहाँ पर 2 ही राउंड इनफ होते हैं। अगर अगले आपके कान्हा जी 5 नंबर के हैं, 4 नंबर के, तो आपको यहाँ पर 3 राउंड, और अगर आपके इससे बड़े हैं तो आपको 4 राउंड ही कंप्लीट करने चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हर एक में देखिए, ये हर एक लूप में मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया, वो भी 2 बार, देखिए, एक बार और देखिए 2 बार, मैं हर एक लूप में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो इसी तरह ये मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं इसी तरह से अपना, देखिए, इस तरह से मैं 2 बार डबल क्रोशिया हर एक राउंड में इसको मैं कंप्लीट कर, मेरा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका। मैंने हर एक में यहाँ पर डबल क्रोशिया कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। देखो, 3 की चेन बना दी मैंने, और अब इसको टर्न करके मैं इसको वापस इसी वाले में, फर्स्ट वाले में ही इसको यहाँ पर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट सेकंड वाले में भी मैं इसको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। और ये देखिए, आपको अगर ये मेरे आप 2 नंबर के कान्हा जी हैं, तो मुझे यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया काफी होता है। तो देखिए, 3 मेरे ये हो गए, और मैं एक और, ये मैं 5 बार अपना डबल क्रोशिया करूंगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया मुझे यहाँ पर छोड़ने हैं। और 8 डबल क्रोशिया के बाद एक मैं यहाँ पर देखिए लूप लेकर ही करना है। इस तरह से लूप लेके ही मैं यहाँ पर इसको एक डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी। 1 2 3 4, ये मेरा जो नीचे का साइड है, जो बाजू है, इसमें इधर निकल जाती है। देखिए, 4 5 6 7 8 और 9, हम यहाँ पर 9 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं। आप देखिए, इस तरह से हम अपने इसको 9 बार करेंगे तो हमें इस तरह से ये आएगा। पर अगर हमने यहाँ पर 5 बार ये करे हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अपने 10 बार ही पीछे डबल क्रोशिया करें। उसके 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ पर पीछे उधर जो छोड़े थे 8 छोड़े थे, यहाँ पर भी हम अपने 8 छोड़ते हैं। और उसके बाद अपने देखिए, मैं यहाँ पर 8 छोड़ के इसके बाजू का नाप छोड़ के इसे यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 और 1 अपना मेरा, देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं तो मैं यहाँ पर हमारा इस तरह से ये डिजाइन ऐसे अधूरा रह जाता है। हम इसको एक बार और यहाँ पे मेरा 5 बार डबल क्रोशिया मेरा यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि देखिए, ये देखिए शेप इस तरह से रहती है। अब मुझे यहाँ पर टर्न 1 2 3, अब मुझे टर्न करके फिर से इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया हर एक चेन में फिर से करना है। पूरी ये जो मेरी टॉप है, ऊपर का जो चोली होती है कान्हा जी की, ये मेरी इसी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए, ये मैं अपना पूरा फर्स्ट रो, ये जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो है, ये भी मैं इसी तरह से अपना कंप्लीट करूंगी, पूरा का पूरा डबल क्रोशिया से। यहाँ पर कोई भी हमें बढ़ाना घटाना नहीं है। और नेक्स्ट वाले में हमें बढ़ाना है तो वो बाद में हम करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से सिंपल इसी तरह से डबल क्रोशिया कर लूंगी। देखो, मैंने यहाँ पर ये इस तरह से चेन स्टिचेस को जोड़ दिया है और यहाँ पर 3 की चेन बना ली है। ठीक है, ये मेरा देखिए इस तरह से मेरा टॉप आ जाता है। और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, मतलब ये डबल क्रोशिया एक बार, और एक बार मैं इसको यहाँ पर इसको फ्रंट डबल क्रोशिया ले दूंगी एकदम, ये इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। और देखिए, इसी तरह से यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी मैं इसको डबल क्रोशिया में ले लूंगी, 2 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, ये इस तरह से मेरा आ जाता है। और ये बराबर वाला मैं इसमें यहाँ पर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, और फिर से यहाँ पर मैं इसमें इसे फिर से एक बार नहीं 2 बार
इसने मुझे यहाँ पर दो बार, क्योंकि मैंने देखी यहाँ पर भी दो बार ये ही डबल क्रोशे लिया था और ये दो बार ये फ्रंट डबल क्रोशे। एक बार देखिए इस तरह से उठाते हुए ये हम फ्रंट डबल क्रोशे कर रहे हैं। तो इस तरह से ही हम अपना फ्रंट डबल क्रोशे दो बार करेंगे। देखिए एक बार दो बार और एक बार यहाँ पर जो मिड पे जगह खाली है उसमें दो बार अपना डबल क्रोशे करेंगे दो बार। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, देखिए इस वाले में और इस वाले पोर्शन को देखिए हमें ये इस तरह से हमें लेना है और ये हमें इस तरह से करके और हमें ये देखिए ऊन इस तरह से लेके अपने हमें इस तरह से निकालनी है। तो ये हमारा फ्रंट डबल क्रोशिया हो जाता है इसी तरह से। और फिर इसी को इसी तरह से एक लूप लेंगे हम और ये हम इसे फ्रंट वाले में फिर से हम यहाँ पर एक लूप लेके फिर से हम फ्रंट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। और आपको ध्यान रखना है बराबर में इसके दो बार मुझे यहाँ पर डबल क्रोशिया लेना है। दो बार देखिए दो बार यहाँ हो गया दो बार यहाँ। तो इस तरह से पूरा करते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट होता है। और ये देखिए मैं इसको यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की सहायता से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए ये ज्वाइन हो गया मेरा ये फ्रॉक का हल्का हल्का फ्रॉक का जो है ये फ्रॉक में घेर होता है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मुझे तीन बार फिर से चैन करनी है। और ये वाला जो मेरा राउंड है देखिए यहाँ पर मुझे फर्स्ट बार इससे ये जो मेरा ये था सिंगल डबल क्रोशिया ये मुझे एक बार करना है और एक बार और करना है। तो यहाँ पर मेरा तीन बार लगभग देखिए यहाँ पर मेरा डबल क्रोशिया हो गया। अब जो मेरे ये वाले थे ना फ्रंट डबल क्रोशिया अब मुझे इनको भी ऐसे ही करना है। इन्हें फिर से वापस मुझे इस तरह से ही करना है। और ये देखिए इस तरह से ही मुझे ये अपने दोनों राउंड ये जो है अपने दो राउंड इसके मानो जैसे ये वाले के और ये वाला जो मेरा सेकेंड राउंड है ये देखिए मुझे यहाँ पर हर एक में यहाँ पर फंदा ए जो है मेरा डबल क्रोशिया ये दो का यहाँ पर तीन बन जाता है। देखिए यहाँ पर मेरे दो बनाए थे मैंने आपको ध्यान होगा और नेक्स्ट वाले में मेरे यहाँ पर तीन बन गए। तो इसका फ्रॉक का है ना आप ये देखिए घेर आराम से इसका घेर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिसका नीचे का फ्रॉक होता है ना वो हमें थोड़ा फैलावा चाहिए क्योंकि कान्हा जी जब बैठते हैं तो उनकी ड्रेस जो है फैली हुई होती है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये अपना जो सेकेंड राउंड भी है देखिए मैं इसी तरह से सिंपल वाला जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी देखिए। और ये दो है नीचे इनको मैं तीन कर दूंगी एक इंक्रीज हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर जो मेरा ये फ्रंट डबल क्रोशिया है इसको ऐसे ही मैं दो बना के अपने फ्रंट डबल क्रोशिया इसको ऐसे ही मैं दो फ्रंट डबल क्रोशिया एक और देखिए ये इस तरह से ये एक और ये वाला। तो ये मेरा सेकेंड राउंड भी इसी तरह से कम्प्लीट हो जाता है। देखिए ये देखिए मेरा ये सेकेंड राउंड भी इस तरह से मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकेंड राउंड कंप्लीट कीजिए देखो मेरा यहाँ पर सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। और देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच की सहायता से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पर जो ये डिजाइन तो मुझे बस इतना ही रखना था। अब देखिए ऊपर ये वाला आप सिंपल डिजाइन पूरे घेर में बना सकते हैं जिस सिंपल जिसको आपका फर्स्ट बिगनर्स होते हैं वो ये वाला डिजाइन बनाते हैं बहुत इजीली और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा लगता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं देखिए आपको यहाँ पर दूसरा डिजाइन बनाई हूँ। मैंने यहाँ पर तीन बार यहाँ पर चैन बनाई है चार बार तो चार बार चैन बनाई है। और मैं इस वाले में देखिए मेरे यहाँ इनको ज्वाइन करने से पहले इसी वाले में मैं यहाँ पर इसको देखिए इसको मैं यहाँ पर अब की बार मुझे यहाँ पर चैन नहीं बनानी है। देखिए इस तरह से एक बार देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक लूप लिया और फिर देन इसमें यहाँ पर फर्स्ट वाले में मैंने यहाँ पर एक वो डाला लूप डाला और देखिए और दोबारा से मैं यहाँ पे देखिए बता रही हूँ। तो एक के मेरे दो लूप हो गए और देखिए यहाँ पे तीन एक अभी देखिए आप यहाँ पर तीन ही चैन रखिए चार से आपको लंबा लग रहा है थोड़ा सा ये देखिए तीन तीन चैन जो है मेरी वो इनफ है मुझे यहाँ पर। देखिए अब देखिए मुझे यहाँ पर एक बार जितनी आपकी चैन रखनी है उतना ही आपको धागा लंबा लेना है। एक बार हो गया दो बार हो गया तीन बार चार बार और ये पांच बार मुझे ये पांच बार ही यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया निकलना है। और ये वूल जो इसे इसको फिर सारे में मैंने इसको यहाँ पर एक साथ निकाल देना है और देखिए इसे इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देना। देखिए इस तरह से रहती है शेप। अब देखिए मुझे यहाँ पर एक और दो दो यहाँ पर चैन बनानी है एक तो मैंने इसी से ज्वाइन करी है और दो चैन मैंने यहाँ से फिर से बनानी है। अब देखिए दोबारा मैं इसी वाले में आपको ध्यान रखना है इसी के जो पास वाला ना इसी वाले में आपको फिर से यहाँ पर ये मेरा धागा लंबा हो चुका है तो आपको ये अब की बार बस आपको ये इसी तरह से एक एक बार और ये दो बार तीन चार पांच पांच बार इनफ है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं पर पांच बार ही इनफ है। और ये इस तरह से पूरा एक लेकर और इसको आप पूरा एक लेकर इसको आप
इसी तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से कर लीजिए। देखिए ये मेरा फ्लावर का लुक बनने पर तैयार हो चुके हैं। अब की बार मैंने यहाँ पर दो की चैन की थी, अब की बार मैं यहाँ पर चार की चैन करूंगी। एक दो तीन चार, चार की चैन करने के बाद मैं यहाँ पर दो लूप इसको छोड़ दूंगी और यहाँ पर तीसरे लूप के बीच में मिड में फिर से मैं इसको धागे को इसे इस तरह से बनाऊंगी। देखिए ध्यान रखना आपको फिर से मैं यहाँ पे बनाऊंगी, तो एक बार और दो बार जब आप बनाते हैं फिर आपको प्रैक्टिस होती है। तीन बार, चार और ये पांच, पांच बार आपको करके आपको ध्यान रखना है सफाई से इस तरह से ही बनाना है और ये इस तरह से निकालना है और ये इस तरह से हमें यहाँ पर अपना एक लूप, ये जो मेरी पंखुड़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में मैं यहाँ पे फिर से दो बनाती हूँ ताकि जो आप अभी ऊपर फ्लावर लेके चलेंगे और फिर से मैं बिल्कुल जस्ट इसके बराबर वाले में, देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे तीन लूप छोड़ देते, तीन ये डबल क्रोशिया, देखिए आप देखिए तीन नजर आ रहे हैं आपको, ये तीन छोड़ रहे हैं। और अब की बार बिल्कुल मैं बिल्कुल बराबर वाले में से इसमें से फिर से करूंगी। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार, और मैं ये अपना यहाँ पर इसी तरह से इसको पूरा एक साथ ज्वाइन करके इसे खत्म करूंगी। देखिए ये फ्लावर अभी आपको ऐसे नजर आ रहा है, ये मेरा जो ये पंखुड़ी है ये मेरी इस तरह से बनती हुई पूरे में फैल जाएंगी। और देखिए मैं आपको बना रही हूँ और ये इसी तरह से, देखिए अब की बार एक दो तीन चार बराबर वाले में है तो मुझे यहाँ पर चार की और यहाँ पर तीन, एक दो तीन, ये वाला जो मेरा डबल क्रोशिया है इसको तीन बार छोड़ना है और यहाँ फिर से मैं वही देन फिर से एक दो तीन चार और पांच, पांच बार करूंगी और फिर से एक बार निकालूंगी और इस तरह से मैं यहाँ पर और बीच में यहाँ पर मैं दो बार चैन लूंगी और फिर से बिल्कुल जस्ट इसके बराबर वाले में से फिर से मैं यहाँ पर निकालूंगी। एक दो तीन चार बार, दो तीन चार और पांच, और फिर से मैं इस राउंड को अपने ऐसे ही कंप्लीट करूंगी और यहाँ पर फिर से चैन, तो मैं अपने इस राउंड को मैं पूरे को इसी तरह से कम्प्लीट करती हूँ। देखो यहाँ पर मेरा ये जो राउंड है फ्लावर वाला, ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको देन देखिए इसी वाले में चैन स्लिप स्टिच में इसको इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ, जो मेरी चैन है वो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर, आपको लग रहा होगा कि ये राउंड में ये व्हाइट कलर नहीं लगा रहे हैं, पर देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, पर मेरा इसी तरह से आएगा। अभी देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो एक दो तीन, तीन की फिर से मैं यहाँ पर चैन बनाऊंगी और देखिए अब की बार मुझे क्या करना है, इसके मिड में जो मेरी चैन है ये जो है इस तरह, इसके मिड में मुझे यहाँ पर दो बार इस तरह से एक एक दो तीन चार और एक ये पांच, पांच बार फिर से मुझे यहाँ पर क्रोशिया निकालकर देन इसको एक करना है और फिर इसको इस तरह से बनाना है। अब वही एक या दो के हमें यहाँ पर लूप बनाना है और फिर से इसके बराबर वाले लूप में इसी वाले में जो आप जो है ना इसी वाले में फिर एक दो, कोई भी धागा रहना नहीं चाहिए, तीन चार पांच, ये मैं इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ ताकि कोई भी धागा आगे की साइड ना आए। और देखिए कि इस तरह से मैं यहाँ पर फिर से इस तरह से फूल बनकर चला जाता है। अब की बार मैंने यहाँ पर चार बार राउंड जो चैन की थी, अब की बार मुझे यहाँ पर पांच बार, एक दो तीन चार पांच, पांच बार यहाँ पर चैन करूंगी। आपका अगर घेर पे अगर झोल अगर झो आ रहा है दिक्कत तो आप यहाँ पर छह बार भी चैन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर छह बार भी चैन कर सकती हूँ क्योंकि ये जो मेरी चैन है ये बढ़ती जाएंगी और ताकि क्योंकि अब ये फूल जो है वो तो सिर्फ इतने ही रहेंगे, अब ये चैन के ऊपर ये जो मेरा वो घेर है वो इसी तरह मुझे चैन के ऊपर बढ़ाना है। तो इस तरह से फिर से मैं ये लूंगी और फिर से मिड में से फिर आप देखिए इसी में से दो तीन चार पांच, पांच फिर से लिया और मैं फिर से यहाँ पर पांच का एक करके और फिर इसी से इसी एक क्वेश्चन निकालकर इसे एक कर दूंगी और फिर एक दो दो की चैन बनाऊंगी और फिर मिड में फिर से मैं यहाँ पे करूंगी। अब देखिए मुझे जो ये पूरा फ्लावर ये इसी तरह से तैयार करना, एक दो तीन चार और ये पांच, ये पांच निकाल के और ये फिर से और एक दो तीन चार पांच, पांच की चैन भी बना सकते हैं, छह की बना सकते हैं, आपको अपने ये डिजाइन के अकॉर्डिंग ये इस तरह से घेरा आप रख के देख लीजिए आपको कितना है, यहाँ पर छह की चैन भी आराम से जाएगी तो छह की चैन बनाइए और ये इस तरह देखिए ये इस तरह से ये पंखुड़ी बनकर मेरी यहाँ पर मुझे जितना घेर चाहिए होता है। अगर छोटे काना जी हैं तो मुझे यहाँ पर चार इनफ होते हैं, अगर आपके बड़े काना जी हैं तो आप इस पे ज्यादा घेर भी बना सकते हैं, चार या पांच मुझे ये घेर दो नंबर के काना जी क्योंकि मेरे ये तो मुझे ये काफी है। तो मैं इसी तरह से अपना ये पूरा राउंड जो है इसी तरह करूंगी और ये अब मैं इसी तरह पूरा अपना राउंड कंप्लीट करूंगी, तो आप भी कंप्लीट कीजिए। देखो मेरा यहाँ पर ये
राउंड राउंड था, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 ही राउंड किए हैं। आपको अगर इससे बड़े बनाने हैं तो आप इसके राउंड बढ़ा भी सकते हैं। आपको 5 नंबर के लाने तो आप यहाँ 6 राउंड कर लीजिए। मुझे ये इतने ही राउंड काफी थे तो मैंने ये अपने जो येलो कलर के राउंड थे वो इतने ही करे हैं, सिर्फ 3 राउंड। देखिए कितना सुंदर लग रही है, इतना ये प्यारी प्यारी पत्तियां सी लग रही है। अब देखिए मैं इसको डेकोरेट करते हैं इन व्हाइट से, क्योंकि येलो कलर के साथ व्हाइट कलर बहुत खिलता है। तो मैंने इसको ये स्टार्ट करती हूँ, देखिए यहाँ से हमें ये देखिए ये यहाँ पोर्शन है जिसका हम यहाँ पर इसको ऐसे हम अपने क्रोशे को लेंगे और इसे हम यहाँ से ऐसे करके इसको लॉक कर लेंगे। देखिए और मैं यहाँ पर 3 की चैन ही बनाऊंगी, 3 की चैन बनेगी। ये धागा मेरा इसी में ही मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी, या आप पीछे की तरफ डाल दीजिए, पीछे की तरफ लॉक कर देंगे। अब देखिए मैं इसमें क्या करूंगी, यहाँ से लेके फिर उसी तरह से यहाँ पर एक, देखिए मेरा पीछे का भी आ गया एक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 और ये 5। अपने 5 राउंड भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 4 राउंड भी कर सकते हैं। और देखिए इसे इस तरह से ही निकालकर फिर से इसको एक करना है पूरी जो उसकी तरह थे। उसके बाद देखिए हम इन पत्तियों को ऐसे कवर करते हैं। देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 फिर से यहाँ पे मैं 4 बनाऊंगी और उसके बाद मैं फिर से इसको यहाँ देखिए इसके मिड में डालूंगी और मिड में डाल के इसको ऐसे करके मैं इसे फ्रंट में ऐसे लूंगी। देखिए इसका ऐसे हो जाएगा और देखिए ये हम इसे इस तरह से लेते हैं, फिर 1, 2 मेरे पास यहाँ पर 3 हो गए, 4 3 हुए हैं, 3 और 4 और एक ये 5। थोड़ी सी ऊन इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगती है पर ये सुंदर बहुत लगता है। तो इसे ये ऊन जो है हमारी ये वाली 3-ply वाली ऊन ये उभरी उभरी बहुत सुंदर लुक देती है। देखिए इस तरह से ये अपनी जो पंखुड़ी है उसको कवर करते हुए आता है और ये बहुत खूबसूरत डिजाइन लगता है। फिर उसके बाद मैं फिर से 1, 2, 3, 4 मैं यहाँ पे फिर से करूंगी और उसके बाद एक लॉक करके फिर मैं यहाँ से फिर से इस तरह से निकालूंगी। देखिए ये मैंने 3-ply वाली ऊन ले रखी है और इसके जो स्वेटर होती है जो है कान्हा जी की ड्रेसेस बहुत सुंदर बनती है क्योंकि इसमें शाइनिंग होती है। 3, 4 और ये 5। देखिए 5 करके हम यहाँ पर इसको इस तरह से ऐसे करते हैं और ये डिजाइन हमें एक एक पत्ती के वो ऐसे हम कवर करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत डिजाइन लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर आके ऊपर की साइड आकर इसको हम इस तरह से यहाँ पर करते हैं और इसमें मैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर ही चैन बनाई और एक सिंगल क्रोशिया फिर चैन बनाई मैंने यहाँ पे नहीं अभी यहाँ पर जो ये मेरा मिड में आ गया। मिड में आने के बाद देखिए मैं यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर 3 की चैन बनाऊंगी और फिर से मैं यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 5 5 का फिर से मैं ये बनाऊंगी फ्लावर और इसको मैं ऐसे करके इस चीज का एक कर दूंगी। फिर यहाँ एक से इसमें टाइट करा मैंने और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 की फिर से बनाई चैन और इसके जो ये वाला लूप था ना इसके यहीं पे फिर से मैं इसमें ले जाऊंगी 1, 2, 3, 4 आप 4 बार भी कर सकते हैं और आप 5 बार भी कर सकते हैं, मैं 5 बार कर रही हूँ 5 और फिर से आप इसको एक ऐसे करके फिर से एक बना लीजिए। और देखिए फिर मैं इधर की साइड आऊंगी तो फिर 1, 2, 3, 4 4 की फिर से चैन और फिर से मैं यहाँ इधर आने के लिए फिर से मैं इसमें डालूंगी और इसे फिर ऐसे करूंगी 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 फिर से मेरा 5 का आ गया ये और फिर से मैं यहाँ पर एक इस तरह से लूंगी। देखो अब मेरा यहाँ का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसको ऊपर डिजाइन देना है तो मैं यहाँ से फिर से इसको एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है इसके बाद 1, 2, 3, 4 अब मैं फिर से 4 के यहाँ पर चैन बनाई मैंने। अब आपको ध्यान रखना है जितना ही आपको ये नीचे चैन बनाई है उतना ही आपको यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरह से लेना है। फिर वही ये हो गया मेरा 2, 3,
चार और ये पांच। ठीक है, पांच मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं इसको फाइव का एक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने लॉक कर दिया। अब देखिए मैं फिर से वन टू थ्री फोर, फोर की फिर से मैंने चेन बनाई। और देखिए मैं यहाँ पर जो इसका लूप है ना यहाँ पर इस पर, इसमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करूंगी। और देखिए ये यहाँ पर इसे पूरा इस तरह से खींचते हुए इस धागे को हम खींच लेंगे। देखो इससे खींचते हुए पूरी इसी रो तक मुझे यहाँ पर फोर की लाइन तक कम्प्लीट करना है। वन हो गया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर और फिर फाइव। ठीक है, फाइव होने पे देखिए अब मैं देखिए इसको देखिए पूरा इस तरह से, और अब मैं फिर से इसको फाइव का एक कर दूंगी। आप ये इस तरह से फाइव का एक करिए और फिर इसे फिर से यहाँ पर इसको लॉक कर दीजिए। अब इसके बाद एक दो तीन चार, चार की फिर से चैन बनाइए और आप इसको फिर से इसी वाले में ज्वाइन कर दीजिए। तो मेरी ये इसकी जो ऊपर की पत्ती है वो इस तरह से कम्प्लीट हो गई। अब देखिये मुझे यहाँ पर क्या करना है, या तो आप इस तरह से करके दो की बना सकते हैं पंखुड़ी, मुझे यहाँ पर तीन की पंखुड़ी बनानी है। तो मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पे फिर से चार की चैन बनाऊंगी। तीन चार की चैन बनाई और फिर मुझे इसी वाले, यहाँ नहीं लेना, इसी वाले लूप में फिर से मैं इसको ऐसे लेके फिर से वही चार की तरह लंबा लेके वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव लेके फिर से यहाँ पर पांच का एक करना है और ये उसे देन फिर से मैं यहाँ पर एक करूंगी। और ये इसके बाद लेके मुझे यहाँ पर नीचे की साइड इसको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, वो भी हाफ इस तरह से। देखिए ये मेरी जो डिजाइन है वो देखिए, अभी एक मिनट दिखाती हूँ आपको मैं, ये इस तरह से आएगी। तीन पंखुड़ी वाला डिजाइन आ जाएगा ये। और उसके बाद अब की बार मुझे यहाँ पर इधर से फिर से लेना है, तो मैं देखिए यहाँ पर अब की बार वो नहीं करूंगी, उधर से मोड़ूंगी नहीं, और ये मुझे इधर से लेके ही यहीं से ऐसे ही लेके ये मुझे वन टू थ्री यहाँ पे फोर, फोर की चेन लेके फिर से मैं यहाँ पर इसी से ही इसी तरह ज्वाइन करके फिर इसको इधर की पंखुड़ी बना दूंगी। एक देखिए, दो तीन चार और ये पांच। ठीक है, फिर से पांच पंखुड़ी बन गई। और उसके बाद अब की बार फिर से यहाँ पर इसका मैं एक कर दूंगी और फिर ये चैन ज्वाइन कर दूंगी। देखिए ये जो मेरा डिजाइन है कुछ कुछ इस तरह से, ये ऊपर की पंखुड़ी और इसको कवर करते हुए इस तरह से ये आएगा। अब फिर से मुझे देखिए ये बैक में मुझे ये डिजाइन, ये हाथ जो है डिजाइन इस तरह से पकड़ना है और यहाँ फिर से एक दो तीन चार की चैन लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर चढ़ते रही है इस पंखड़ी को ऊपर की साइड किया था, अब उस पंखड़ी को नीचे की साइड कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अपनी उधर की इधर की इस तरह से पंखड़ियाँ ऐसे बनाऊंगी। देखिए यहाँ फिर से मैं यहाँ पर एक लूंगी, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बन गया। फिर से यहाँ पांच का एक कर लिया मैंने और फिर से ये डिजाइन को ऐसे कर लिया। फिर से एक दो तीन चार और ये पांच, पांच की चैन फिर से। फिर मैं यहाँ फिर से लास्ट वाले में जो मेरा नीचे से स्टार्ट हुआ था ना जहां से, इसी लास्ट वाले में फिर से मैं लेके इसको इसी तरह से यहाँ पर अपना ये कवर करूंगी। देखो ये मैंने अपना व्हाइट का राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने इसे इस साइड में देखे, इस तरह से हमने इन्हें एक एक साइड ही इसको बनाया है, क्योंकि दोनों साइड में आते हैं तो यहाँ पर स्पेस कम होके और फिर आपके पूरा यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए फ्लावर का लुक इस तरह से यहाँ पर तीन शेड दे रहा है, येलो की और व्हाइट की। ये मेरा डिजाइन जो है इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मैं ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर ये सब चीज अभी जो है व्हाइट कलर से इसको बाउंड्री करूंगी। देखिए मेरा ये व्हाइट का राउंड यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आगे इसको पर्ल से और यहाँ व्हाइट राउंड से इसको डेकोरेट करती हूँ। मेरी ड्रेस बनकर इतनी तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें ऊपर भी एक डिजाइन किया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऊपर डिजाइन करे बिना आपको यहाँ पर ये ऐसे ब्लैंक ब्लैंक दिखाई देगा। तो मैंने इसको यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से लेके यहाँ पर भी मैंने एक पतली लीव्स बनाई है, क्योंकि ताकि ये डिजाइन को कम्प्लीट हो जाए। देखिए इसे यहाँ पे मैं इसे यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करूंगी। अब मैं यहाँ पर फिर वही चार बार डबल क्रोशिया और उसके बाद एक दो तीन चार और ये पांच बार, मैं पांच बार फिर इसको यहाँ पर इस तरह प्लेन क्रोशिया लेकर इसको यहाँ पे ऐसे पकड़कर इसे मैं इस तरह से निकाल दूंगी
और ये देखिए इसको मैं फिर एक बना लूंगी, फिर एक दो तीन चार पांच छह सॉरी चार बार, चार बार ही मुझे यहाँ पर चैन करके मुझे इसको यहाँ पर इसे हाफ क्रोशे से जोड़ना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से मैं हाफ क्रोशिया लूंगी इस चैन में एक बार, और देखिए अब की बार मैं यहाँ पर हाफ क्रोशिया इस नहीं लूंगी, तो यहाँ पर लूंगी डबल क्रोशिया। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, इस तरह से ये मेरा लूप बन गया, और यहाँ पर व्हाइट वाले में और यहाँ पर व्हाइट और रेड येलो को दोनों को मैंने पकड़कर इस तरह से इसमें यहाँ पर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक आप यहाँ पर पूरी लाइन में आठ बार डबल क्रोशिया बनाइए, देखो एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, आठ बार मेरा यहाँ डबल क्रोशिया हो गया। और फिर मैं इसी साली जो लीफ से ना मेरी इस साली लीफ से इस तरह से मैं यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल के सिंगल क्रोशिया निकाल लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया मिड में निकालते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर चार की चेन बनाऊंगी, एक दो तीन चार की चेन बनाऊंगी और फिर से वही वाला रिपीट करूंगी, वन टू थ्री फोर इस तरह से, फोर फाइव, फाइव का मैं इस तरह से लंबा वाला लूंगी और फिर इस तरह से निकालकर और यहाँ फिर से मैं एक बार फिर से पांच की चार की चेन, चार की चेन ली और फिर से मैं यहाँ पर एक हाफ क्रोशे से इसको ज्वाइन कर दूंगी। फिर हाफ क्रोशिया लेंगे और उसके बाद देखिए अब की बार मेरा यहाँ पर लास्ट जो राउंड है मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं फिर से यहाँ आठ बार फिर से अपने डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी, दो तीन चार, देखिए चार पांच छ सात और ये आठ, मेरा ये लास्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर से मैं यहाँ इसको चैन से इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूंगी और इसे ज्वाइन करने के बाद यहाँ मैं अपने एक सिंगल क्रोशिया फिर लूंगी और फिर उसके बाद एक दो तीन चार, देखिए और फिर से यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, पांच फिर से मैं ये इस तरह से लूंगी और यहाँ पर एक लूप लेके एक दो तीन चार पांच, बस मेरा यहाँ पर ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये मेरी ड्रेस तैयार हो गई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मेरी ड्रेस पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पर इसकी बस आप बाउंड्री करनी है और देखो मैंने इस पे पर्ल लगा दिए हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने इस पे यहाँ जंगे जंगे पर्ल टांग दिए हैं और ये कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए मेरे यहाँ पर एक लास्ट में आपके लिए यहाँ पे दिखाने के लिए इसको यहाँ पे छोड़ा है, देखिए मैं अभी करती हूँ और इस अपने राउंड को कम्प्लीट करती हूँ और धागे को कट करती हूँ। देखिए धागे को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और इसको मैं इससे ऐसे करके ही यहाँ पर निकाल लूंगी, एक पक्का कर दूंगी और ये धागे को पीछे की साइड ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, बाद में एडजस्ट कर दूंगी मैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये पर्ल जी मैंने एक सुई धागा लिया हुआ है, देखिए ये सुई धागा मैंने सिंपल सुई धागा लिया हुआ है और मैंने यहाँ ये पर्ल मेरा नीचे से लगाते हुए ऊपर की साइड गया है और अब मैं इस पर्ल को यहाँ पे लगाऊंगी और ये देखिए अब मैं ऊपर की साइड एडजस्ट करने के लिए इसे मैं ऐसे करके ही यहाँ पर पक्का करूंगी और नेक्स्ट को फिर मैं एक बार फिर यहाँ राउंड लूंगी, क्योंकि हमें मैं अगर ये पेस्ट करती इसको चिपकाती तो ये इतना पक्का नहीं हो पाता है, फिर ये मोती जो है हमारे वॉश होने के बाद ड्रेस ये निकल जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर इसमें पर्ल को यहाँ पर पक्का किया है पूरा, देखिए सुई धागे की सहायता से इसको इस तरह से ले आई हूँ मैं यहाँ धागे को और ये मिड में निकाला मैंने धागा और मिड में निकाल के इन दोनों को मैं अपना एक कर लूंगी, देखिए इस तरह से मैं अपने पोर्शन को एक कर लूंगी। ठीक है, एक करने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए ये पर्ल आराम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं और ये मैंने इसके व्हाइट ड्रेस है क्योंकि इसके मैंने येलो का व्हाइट कॉम्बिनेशन दिया है तो मैंने व्हाइट ही पर्ल लगाए हैं और ये इस तरह से करके और ये पर्ल को मैं इसी तरह से यहाँ पर टांग दूंगी और ये पर्ल लग के ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगी, जैसे कहते हैं ना तो ये कली हो गई सारी पूरी संस्कृति फ्लावर जो है लुक इसका, तो आपको लग रहा होगा ऐसे तरह से फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी। देखिए इस तरह से ही करके पूरा ये जो है पर्ल मैं नीचे की साइड को ले आऊंगी और अपना पूरा पर्ल टाकते हुए इस ड्रेस को मैं अपना
कंप्लीट कर लूंगी और अपना जो इसका बाउंड्री है व्हाइट वाली जो ये बॉर्डर है मैं इसको भी कंप्लीट करके आपको अभी दिखाती हूँ। मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है, मैंने इसकी बाउंड्री भी कर दी है। देखिए ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, देखिए बसंत पंचमी पे ये स्पेशल ड्रेस है। और अगर आप पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, वैसे ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगी। और ये ड्रेस देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।